Okay, hello guys. I'm Shrimati Bishwanatha Chaudhary, as you know. So today we are going to learn about have and has. So do you know means have means? So actually, ma'am, students, I'm going to teach you like have and has. पर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि have तो बहुत बार आता है, perfect tense में आता है, यही हमने अभी तक के पढ़ा हुआ है. तो don't worry about it. मैं समझाऊंगी कि have कहाँ कहाँ use होता है. और आज हमारा second day है English spoken English में, क्योंकि पहले आप spoken English में focus कर रहे हो तो आपको पहले spoken English में focus करना है. धीरे धीरे gradually जब आप धीरे धीरे speak करने लगते हो तो आपका खुद ब खुद डर खत्म हो जाता है और sentence framing आपको बनने लगती है. फिर आप बिल्कुल नहीं डरते हो कि कहाँ help वर्ब लगाना है, कहाँ वर्ब लगाना है, कहाँ नाउन लगाना है. तो अभी आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब किसी बारे में नहीं सोचना है, बस आपको सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है कि क्या पूछा जाता है, मेरे पास से बताया जा रहा है या मेरे भाई बहन ये बताया जा रहा है. तो मैं बताना चाहती हूँ और है और हैज को हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में यूज़ करेंगे आज. और ये देखेंगे कि हैव को और हैज को हम कहाँ यूज़ करते हैं. जब हमारे पास लिखा है कि मेरे पास मेरे भाई बहन है या मेरे भाई बहन है या इस ग्लास में पानी है, तो उस कंडीशन में आपको हैव और हैज का यूज़ करना पड़ता है. मेरे पास पेन है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है, इस प्रकार की कंडीशन में आपको हैव और हैज का यूज़ करना पड़ता है. तो बिल्कुल पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए कि जो हमने स्कूल में पढ़ा है वो हैव के साथ में, हमने परफेक्ट टेंस के साथ में यूज़ किया है, तो डरना नहीं है. सबसे पहले उसको हटा दो एंड देन आफ्टर, क्योंकि हैव का हम बहुत जगह यूज करेंगे, है ना. तो शुरू करें अपन आज का. ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस, वो भी प्रेजेंट में, जब आपके पास निकल के आता है कि मेरे पास कोई भाई बहन, मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास कोई भाई बहन है, तब की कंडीशन में. ठीक है, क्लियर इट. ओके, सो क्रिस्टल क्लियर. ओके, यस. सो लेट्स स्टार्ट. सो जब ये देखिए यहाँ लिखा भी है मैंने, है ना. ठीक है, तो सबसे पहले हम हैव और हैज का यूज करेंगे और सारे सब्जेक्ट के साथ करेंगे. ठीक है, कैन यू सी? यस. सो आई हैव अ पेन. गुड. आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास पेन है. यू हैव अ पेन मतलब तुम्हारे पास पेन है. शी हैज अ पेन उसके पास पेन है. ही हैज अ पेन उसके पास पेन है. दे हैव अ पेन उनके पास पेन है. वी हैव अ पेन हमारे, इंक्लूड मी, हमारे पास पेन है. राम हैज अ पेन, राम के पास पेन है. तो जब भी आपके पास कोई भी चीज़ है, पेन है, पेंसिल है, टी शर्ट है, गोल्ड है, जो भी चीज़ है आपको बोलना, कूलर है, बाइक है, मोटरसाइकिल है और कार है, घर है, तो आप बोल सकते हो, है ना. तो ये तो आपको चीज़ों के बारे में हो गया कि जब आपके पास चीज़ें हैं तब आपको बोलना है ऐसा. लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरे कितने भाई बहन हैं, तो बोलना पड़ेगा ना कि भाई मेरे पास मेरे इतने भाई बहन हैं, मेरे पास दो एक भाई है, मेरा एक बहन है, मेरी एक सिस्टर है, कुछ भी बोलना पड़ेगा. तो उस जगह पे आपको इस प्रकार की सेंटेंस बनाना पड़ेगा. देखो कैसे, आई हैव अ ब्रदर, अगर एक है तो एक, उनमें दो है, तीन है, तो आपको नंबर वाइज उसको पढ़ा देना. ठीक है, यू हैव अ ब्रदर, तुम्हारे पास एक भाई है. शी हैज अ ब्रदर, अब शी और ही में हैज क्यों लगाया, पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ. तो शी और ही चूंकि सिंगुलर है ना, सिंगुलर मतलब जिसके एक पर्टिकुलर एक बंदे थे, वो उसके बारे में, अकेले के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि वो अकेली लड़की की उसके भाई है और वो अकेला लड़का बैठा हुआ, तो उसके बारे में बता रही हूँ, है ना. ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन है कि भाई हम यू मतलब तुम्हारे बारे में बता रहे हैं, लेकिन ही और शी को हम सिंगुलर में लेते हैं और आई यू के साथ हम हैव लगाते हैं. ठीक है ना, यहाँ पे डरना नहीं है. और किसी का पर्टिकुलर नाम लगाना, सपोज मैं पुनीत का लगा रही हूँ, सपोज मैं रिया का लगा रही हूँ, सपोज मैं मुस्कान का लगा रही हूँ, तो ये भी ये सिंगुलर है ना, तो इसके साथ में आपको हैज लगाना है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ. चलिए फिर से, मेरा एक भाई है, यू हैव अ ब्रदर, तुम्हारा एक भाई है. शी हैज अ ब्रदर, उसका एक भाई है. शी हैज अ ब्रदर, ही हैज अ ब्रदर, उसका एक भाई है. दे हैव अ ब्रदर, उनका एक भाई है. जैसे कि दो तीन बहनें हैं, तीन चार भाई है, तो हम बोल सकते हैं उनकी एक बहन है, तो दे हैव अ सिस्टर, और दे हैव अ ब्रदर, एक भाई है. जैसे कई बार दो तीन भाई बहनें रहती, उसका एक भाई होता है, तो उसको अपन ऐसे कह सकते हैं ना. वी हैव अ ब्रदर इंक्लूड मी, यदि मुझे मिला दिया जाए कि हमारा एक भाई है तो हम एक भाई में आते हैं. ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको. ठीक है, राम हैज अ ब्रदर, अब राम है, पुनीत है, रिया है, मुस्कान एक सिंगुलर है ना, तो इसका एक भाई है. ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया. अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको बोलना है कि नहीं यार मेरा तो कोई भाई नहीं है, मेरी तो कोई बहन नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या बोलोगे. तो पहले अपन चीज़ों पे सीखते हैं ना, पहले अपन नॉन लिविंग थिंग्स पे समझते हैं कि क्या क्या होगा. ठीक है,
अपन ने पढ़ा था आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, तो हम वापस पहले इसी सेंटेंस पे आ जाते हैं और बात करते हैं कि ये जो था अगर हमको नहीं बोलना है, जैसे किसी ने पूछा डू यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास क्या पेन है, तो फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा, नहीं नहीं यार मेरे पास तो पेन नहीं है, ठीक है, ऐसे ही बोलोगे ना, तो फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सीख लो, है ना, इसी वीडियो में। चलिए तो फिर हमको कुछ भी नहीं करना, देखो मैं कुछ भी आपके सामने ही मिटा रही हूँ तो आपको डर नहीं होगा और मैं उससे के आगे बढ़ाऊंगी तो आप बिल्कुल बहुत इजी गोइंग आप सीख रहे हो, ठीक है ना, थिंग्स आर वेरी वेरी इजी टू लर्न, ठीक है, सीखने के लिए कोई भी चीजें बहुत इजी होती है तो बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको वहां पर, ठीक है। देखो मैं और अच्छे से क्लीन कर देती हूँ उसको। चलिए अभी सब्जेक्ट जैसे कैसे एज इट इज लिख दी है मैंने, तो आई Do not have, अब ये मैं अभी जब इंट्रोगेटिव पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी कि मैंने do not क्यों लगाया है ना, क्योंकि ये इसके साथ की helping verb है। I do not have a pen, मेरे पास pen नहीं है, ठीक है। You do not have a pen, देखो मैंने बताया था ना आपको कि ये दोनों एक्सेप्शन है लेकिन इनके साथ अपन have यूज करेंगे, लेकिन he और she के साथ में अपन हैज करेंगे, लेकिन वहाँ पे हम हैज करते हैं तो हम यहाँ पे निगेटिव बना रहे हैं, यानी हम नहीं के बारे में बात कर रहे हैं। निगेटिव का मैं बड़े भारी भारी शब्द ले रही हूँ क्योंकि शुरू में जब सीखते हैं तो सबको डर लगता है। निगेटिव मतलब हम जब नहीं के बारे में बात करते हैं तब के बारे में बात कर रही हूँ। तो शी के साथ शी डज नॉट हैव अ पेन, उसके पास एक पेन नहीं है, ठीक है ना। ही डज नॉट हैव अ पेन, उसके पास एक पेन नहीं है, ठीक है ना। वो बोल सकता है कि उसके पास एक पेन नहीं है, प्लीज तुम दूसरे से ले लो, ऐसा भी हो सकता है ना। दे डू नॉट हैव अ पेन, ओके, ठीक है। थोड़ा सा वाइट ग्रीन बोर्ड छोटा होने के कारण प्रॉब्लम आ रही होगी, बट डोंट वरी, प्लीज मैनेज इट, ओके। सो वी डू नॉट हैव पेन, हमारे पास एक पेन भी नहीं है, कई बार बोलते हैं ना वी डोंट हैव अ पेन, मेरे पास एक भी पेन नहीं है, कई बार हम ऐसे ही बोलते हैं ना, तो उसको हम सिखाएंगे धीरे धीरे। राम डज नॉट हैव अ पेन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, पेन फुल स्टॉप लगा दिया। मेरे पास, देखो आई डू नॉट हैव अ पेन, इसको अगर आप बहुत कॉन्ट्रेक्शन में बोलना चाहिए, डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है, यू डोंट हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन नहीं है, शी डज नॉट हैव अ पेन, उसके पास पेन नहीं है, ही डज नॉट हैव अ पेन, हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करेंगे, यहाँ पे आपको हैव ही लगाना है क्योंकि आपने यहाँ पे निगेटिव फॉर्म लगाया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको हैव, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना कि मैम ने वहाँ तो हैज लगाया था तो यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, देखो यहाँ पे अपन ने हैज लगाया हुआ है, चिंता नहीं करना, ठीक है। दे डू नॉट हैव अ पेन, उनके पास पेन नहीं है, वी डू नॉट हैव अ पेन, हमारे पास पेन नहीं है, राम डज नॉट हैव अ पेन, राम के पास पेन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक एक चलेंगे, उसके बाद में इन चीजों को अपन कल कवर करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हमको पूछना है कि क्या आपके पास पेन है, ठीक है ना, ऐसा भी तो पूछेंगे ना अपन कि भाई क्या पूछेंगे, तो अपन इंट्रोगेटिव भी तो करेंगे, जिन चीजों से हम प्रश्न पूछते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव, क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं ना क्वेश्चन बनाना, ठीक है ना, ये सेम वही प्रोसीजर है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, इंट्रोगेटिव है ना। एक्चुअली बच्चों मेरा पहले मोटो यही है कि तुम वो ग्रामीण एरिया के जो बच्चे हैं या वो महिलाएं हैं जो स्पेशली चाहती है, बाय चांस उनको मौका मिल जाता है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हैं लेकिन वो इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाती हैं, बस वो जो स्कूल का स्टडी आवर हो वहाँ पर वो थोड़ा सा पुस्तक को देख करके पढ़ा पाती, तो डरना बिल्कुल नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, वी कैन डू इट एवरीथिंग। सो इसीलिए मैं बार बार समझाती हूँ कि शुरुआत कहीं से भी करिए, इसलिए मैं बहुत सिंपल वे में पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल आप उसको देखिए, आपका धीरे धीरे जैसे जैसे आप बोर्ड पढ़ते जाओगी आगे बढ़ते जाओगी तो खुद ब खुद आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आप अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से परफेक्शन के साथ कर लोगी, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं डरना, बस ये दिमाग में रखना है कि कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है ना, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो जब हमको कोई प्रश्न पूछना होता है तो मैंने पहले भी बताया लास्ट वीडियो में भी कि हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब को सामने करना पड़ता है, तो देखो यहाँ पे हमने इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है ना, प्रेजेंट मतलब जो चीज़ हम अभी चल रही है वो बीच वाली है ना, ठीक है, अभी वाली।
तो अपन डू लिख लेंगे तो डू का डी कैपिटल कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं और पहला प्रश्न का जो मतलब जो वर्ड है वो डू है, तो डू का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, है ना। सो अब डू तो आई जो हमारा सब्जेक्ट था, यानी मेरे बारे में जिनके बारे में हम बता रहे हैं वो अभी हमारा सब्जेक्ट है ना, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो सब्जेक्ट पे लोड मत बोलना कि मेरे बारे में बात कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में। जब धीरे धीरे चार पाँच दिन हो जाते हैं हमारे सीखते सीखते तो हमें सब चीज़ें आराम से आ जाती है, ठीक है। डू आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन है, जैसे थोड़ा सा अपन उसको चेंज कर लेते थोड़ा सा बोलते समय पर, अच्छा कि मेरे पास पेन है क्या, कि तेरे पास पेन है क्या, क्या तेरे पास। लेकिन आंसर हमेशा ध्यान रखना यस और नो में ही आएगा, और हमेशा ध्यान रखना कि जब आपको यस और नो में आंसर देना है तो आपके आगे उसको ये डब्ल्यू एच फैमिली नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, वो समझ जाना है कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है, ऐसा ही हर बार होगा, है ना, हमेशा देखते रहना, ठीक है। डू आई हैव अ पेन, डू आई हैव अ पेन, हैव अ पेन, या मेरे पास एक पेन है, देखो हाउ इजी, कितना इजी है ना, ये बहुत सरल है, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। सो डू यू, डू के साथ होगा डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन है क्या, क्या तुम्हारे पास एक पेन है, बोलेगा यस और नो, कुछ भी बोलेगा, यस बोलेगा या नो बोलेगा, तो यस बोलेगा तो सिंपल यस से काम चल जाएगा, नो बोलेगा नो आई डोंट हैव पेन, है ना। अगर आप शुरुआत में नहीं है केवल नो भी बोल दे रहे तो भी समझ में आ रहा है कि आपको इंग्लिश तो कुछ समझ में आ रही है ना, और तुम इतना तो किसी से पूछ ही सकते हो, ठीक है। अब हमारी चूंकि डस थी तो हम क्या करें डस, है ना, और ही को लगा देंगे, डज ही हैव अ पेन, डज ही हैव अ पेन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना। फिर शी, फिर डज शी हैव, डज शी हैव अ पेन, डज शी हैव अ पेन, देखो कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल इधर का उठा करके उधर कर दे रही हूँ, ठीक है ना। फिर डू दे हैव अ पेन, डू दे हैव अ पेन, देखो आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो कई बार, ये जो उसको आपको कैपिटल नहीं लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि बीच में आ गया है, बिल्कुल भी डरना नहीं, डोंट फॉरगेट इट, ओके। फिर डू वी हैव अ पेन, क्या हमारे पास पेन है, हाँ मिस्टेक बहुत होती है, डोंट वरी, अभी भी हम लोग कई बार बोलते समय मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज तो नहीं है ना, और हम उसको समझ नहीं पाते हैं अच्छे से, और एकदम जब फ्लुएंसी के साथ जब बोलना चाहते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हो जाता है, तो उसके लिए इसके लिए बिल्कुल किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है, बस हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना। कीप ऑन मूविंग, डोंट स्टे हियर, ओके। सो राम डस, अब डस भी कोई आ गया, डस राम है, लड़का है, पुनीत है, रानू है, तो रानू ले लें यहाँ पर अपन, तो रानू का अपन आर कैपिटल कर लेंगे क्योंकि नाम है किसी का, है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। डस रानू हैव अ पेन, डस रानू हैव अ पेन, गुड, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर इट, यहाँ तक कि आपका लगभग आपने काम कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में आपको ये सोचना है कि पहले इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, कैसे प्रैक्टिस करना है मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले लिख लिया अपन एक कागज़ में, ठीक है, और प्रैक्टिस तो बिल्कुल ज़रूरी हो जाती है, मस्ट, ठीक है। तो पहले अपन एक नोट्स की कॉपी बना लेना, तो बिल्कुल सिंपल वे में, दैट्स हाउ आई लर्न, बिल्कुल नहीं डरना है कि आप किस एज में हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आई डू नॉट हैव अ पेन, यू डू नॉट हैव अ पेन, शी डज नॉट हैव अ पेन, ही डज नॉट हैव अ पेन, दे डू नॉट हैव अ पेन, वी डू नॉट हैव अ पेन, एंड राम डज नॉट हैव अ पेन, पुनीत डज नॉट हैव अ पेन, रिया डज नॉट हैव अ पेन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर कर। उसको ओवर एंड ओवर प्रैक्टिस करना, ओवर एंड ओवर मल्टीपल टाइम बोलना है आपको, और जब मल्टीपल टाइम आपको बोलते हैं तो आपकी तो पहली बार टंग ट्विस्ट हो जाती है, और फिर आपको बिल्कुल भी लगता है हाउ ईजी है ये चीज़, है ना, ठीक है। तो अब फिर क्वेश्चन पूछना आप, क्योंकि आपको तो किसी और से पूछना है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछते भी ना, हाउ टू आस्क क्वेश्चन पूछना जरूरी है ना भाई, क्यों नहीं पूछना है, बहुत जरूरी है। जब तक कि क्वेश्चन पूछना नहीं, और एक दिन में एक चीज का पूरा टास्क लो कि आई हैव टू डू दिस वर्क डेफिनेटली, एंड आई विल डेफिनेटली डू दिस वर्क इन दिस टाइम, टूडे आई विल, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है। सो डू आई हैव अ पेन, थोड़ा सा लिटिल चेंज करना, डू आई हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, सो डज ही हैव अ पेन, डज शी हैव अ पेन, ओके, डू दे हैव अ पेन, डू वी हैव अ पेन, डज रानू हैव अ पेन, ठीक है ना, क्लियर है, और ये क्वेश्चन मार्क आपकी पहचान ही है, ठीक है ना। इसके बाद में मैं ये कहना चाहती हूँ कि बार बार प्रैक्टिस करो, आई रिक्वेस्ट टू यू,
क्योंकि बिना प्रैक्टिस करे कुछ भी नहीं हासिल होगा। अभी कुछ तो थोड़ा सा डिवोशन यानी एकदम आपको बोलना चाहिए डिवोटी हो जाना, जिस काम के प्रति, किसी भी काम के प्रति जब आप बहुत ज़्यादा डिवोट हो जाते हैं, एक तो आपके अंदर पैशनेट हो जाते हैं, आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि हाँ यार कम से कम हमको एटलीस्ट 6 मंथ तो देना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम बिगनर हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। मैं देख रही हूँ आप लोग अभी 12th में पहुँच गए हो, 1st ईयर में पहुँच गए हो, लेकिन अभी भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको फ्रेमिंग नहीं आ रही है, तो उसके लिए सोचना नहीं है, धीरे धीरे जब आप करते हो तो कर ले। यही हमारे साथ अकेले के साथ प्रॉब्लम नहीं, हम सब हिंदी साइडर हैं इसलिए सबके साथ प्रॉब्लम होती है, और ये आपके साथ हो रही तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। हम एक्चुअली हम लोग सब सोचते हैं कि हमें 17 नंबर मिल जाए, 33 नंबर मिल जाए और हम बात ख़त्म कर देंगे, है ना। तो अब ऐसा नहीं होगा, आप लोग बहुत अच्छे से सीखोगे, ग्रामर भी सीखोगे और आप बहुत अच्छे से आगे भी बढ़ोगे, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छे से कीप ऑन मूविंग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।